आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 97% लोग 65 की एज तक या तो कर्जे में रहते हैं या बैंक्रप्ट हो जाते हैं, और सिर्फ 3% लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं। इमेजिन, सिर्फ 3%। और ये 97% लोग किन रीजंस की वजह से इतने कर्जे में होते हैं वो आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा। नंबर वन रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम। स्कूल में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस ये सब पढ़ा, बट मनी, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट इन सब के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं मिली। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे बड़े होकर सेफ खेले। पहले स्कूल, स्कूल के बाद हायर स्टडीज, हायर स्टडीज़ के लिए ढेर सारे लोन्स, लोन्स चुकाने के लिए मल्टीपल जॉब्स, और फिर शादी और बच्चे। एंड ऐसे ही ये साइकिल जेनरेशन टू जेनरेशन कंटिन्यू करती जाती है। और क्योंकि मेजॉरिटी लोग सेफ खेलते हैं, इसलिए वो ना अमीर होते हैं ना गरीब, वो बस मिडिल क्लास में ही फंस कर रह जाते हैं। इंग्लिश में एक कोट है जिसका मतलब है कि फॉर्मल एजुकेशन तुम्हें कमाना सिखाती है और सेल्फ एजुकेशन तुम्हारा भाग्य बनाती है। इसलिए यंगस्टर्स को खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ें। भले ही आइडिया आपको इनिशियली बोरिंग लगे, बट ट्रस्ट मी, ये फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। नंबर टू है मेंटालिटी। मेजॉरिटी लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। थोड़े एक्स्ट्रा पैसों के लिए वो अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं, और जब इनकम होती है तो उसे शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट में खर्च कर देते हैं। इनफैक्ट कई घरों में मंथ के एंड तक पैसे ही नहीं बचते। बट रिच मेंटालिटी वाले लोग अपने इनकम को खर्चों पे कम और एसेट्स क्रिएट करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि घर एक एसेट है जिससे उन्हें रेंट मिलेगा, शेयर्स जिससे वो डिविडेंड अर्न करेंगे, बॉन्ड्स एंड तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स जिससे वो इंटरेस्ट कमाएंगे, ये आगे चलकर उनके लिए पैसिव इनकम का काम करेंगे, और वो सिर्फ अपने पेचेक पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, बट द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। इसलिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाएं, तभी आप एक डेट फ्री, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर पाएंगे। नंबर थ्री है पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स ने कभी आपको मनी एंड फाइनेंस के बारे में जानकारी नहीं दी, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं दी कि कैसे आप अपनी अर्निंग्स को एक्सपैंड कर सकते हो, और इसी वजह से मनी को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, अप्रोच अलग है। बुरा ना माने, बट सच्चाई ये है कि कई केसेस में पेरेंट्स फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते, तो बच्चों को एसेट्स, लाइबिलिटीज, डेट्स, टैक्सेस इन सब के बारे में जानकारी नहीं होती। इनफैक्ट कई घरों में पेरेंट्स बच्चों को अपनी इनकम नहीं बताते हैं। ये यूजुअली एक सीक्रेट होता है, और बच्चों को नहीं पता चलता कि घर में कितने पैसे आए और कहाँ गए। बट अगेन, दूसरों को ब्लेम करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एंड अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना होगा। मनी को लेकर अपनी मेंटालिटी बदलनी होगी, तभी आप उन 3% लोगों में शामिल हो पाओगे। सो ये थी वो तीन चीज़ें जो आपकी पुअर मेंटालिटी की वजह है। प्लीज़ कमेंट करें कि आप किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हो। दोस्तों, अगर आप घर बैठे शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप अपस्टॉक्स ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अपस्टॉक्स इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स हैं। प्ले स्टोर पर इस ऐप के 1 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 9 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। अपस्टॉक्स आपको ऑफर करता है चार्टिंग टूल्स विद 100+ इंडिकेटर्स, लाइफ टाइम फ्री डिलीवरी ट्रेड्स, ₹20 पर ऑर्डर इंट्राडे, FNO, करेंसीज एंड कमोडिटीज। अपस्टॉक्स पर आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। इसके लिए आपके पास अपना पैन कार्ड होना कंपलसरी है। अपने पैन कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आप अपस्टॉक्स पे अपना डीमैट अकाउंट आराम से खोल सकते हो। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.